दोस्तों आज हम आप सबको अपनी जर्नी बताने वाले हैं कि कैसे हम एक मशीन से 10 मशीन तक की है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए, कि ताकि आप लोग भी देख के और अपने काम को अच्छे से करें और उस काम को करने के लिए आपके मन में एक जोश जगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है सुनील। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाला है, खास करके उन जो नए लोग हैं उनके लिए, ताकि जो लोग अभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कैसे करें क्या करें, क्योंकि बहुत लोग कोई कुछ बोलते कोई कुछ बोलते वो कन्फ्यूज रहते हैं। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैं एक मशीन से 10 मशीन तक आया और कैसे मैं इतना ग्रोथ किया, कैसे मेरे बिजनेस इतना ग्रो हुआ, कि ताकि आप लोग भी देख के अपने काम को अच्छे से कर सके। तो उससे पहले, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को दोस्तों, मैं जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो उस टाइम में मेरे पास में मात्र 25,000 रुपए थे। कोई मानेगा नहीं कि 25,000 में इस काम को कर लिया है, क्योंकि जैसा अभी ये मशीनें का रेट जो है और जितना महंगाई है, जितना पेपर महंगा हो रखा है, जिस टाइम हम स्टार्ट किए थे उस टाइम पेपर का रेट था 45-45 रुपए केजी मिलता था पेपर। उस टाइम हम 25,000 से स्टार्ट किए थे, और वही 25,000 से कैसे स्टार्ट किए थे, मेरा एक दोस्त था उसके पास मशीन था डबल डाई का, वो उस काम को नहीं कर पाया तो उन्होंने बेचे थे मेरे को 25,000 में। तो हम उनसे मशीन लिए थे 25,000 में और उसी मशीन से हम काम को स्टार्ट किए थे। लेकिन वो मैं ही था जो इस काम को कर लिया, नहीं तो अगर कोई और होता तो उससे भी नहीं हो पाता। वो ये पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है इंसान का जज्बा, जुनून, हौसला, कि क्या उसका जज्बा है, क्या जुनून है, क्या हौसला है, उस हिसाब से उसका काम आगे होता है। क्योंकि बहुत लोग इस काम को कर तो रहे हैं लेकिन वो डिमोटिवेट होकर के और परेशान होकर के और वो बंद कर देते हैं। तो आज हम बताएंगे कितनी परेशानियों का सामना करके हम इस बिजनेस को आगे बढ़े हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाए हैं, और यहाँ तक आज हम 25,000 से स्टार्ट किए थे, आज हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो कैसे हुआ ये सब संभव, ये हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो मेरे घर वाले खुद कहते थे कि इस बिजनेस को मत करो, क्योंकि कोई भी बिजनेस को करने के लिए पहले पूंजी होना बहुत जरूरी होता है। ये बात सच है कि पहले पैसा भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस को करने के लिए। स्टार्ट किए थे हम तो हम भी इस चीज को नहीं मानते थे, लेकिन जब इसमें घुस गए, इस लाइन में जब हम आ गए तो हमें भी इस चीज का एहसास हुआ। लेकिन एक ये भी सच है कि अगर यदि आप उस भरोसे बैठे रहोगे कि मेरे पास 10 लाख रुपए आएंगे तो हम इस बिजनेस को करेंगे, तो ऐसा ना कभी आएगा और ना आप बिजनेस कर पाओगे। उनका काम था कहना, हम मान गए, लेकिन उसके बाद हमें कैसे 25,000 से लाख रुपए तक पहुंचना था ये हमें डिसाइड करना था और हमें दिमाग लगाना था। तो वो लोग बहुत टॉर्चर किए, घर वाले भी टॉर्चर किए, बाहर वाले भी टॉर्चर किए, जो मेरे रिश्ते नाते थे वो लोग भी बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, बंद कर दो, इससे बढ़िया आप तुम पहले जो कर वही कर लो। क्योंकि पहले इस मशीन को लगाने से पहले मैं महीने का 35-40 हजार का हर मंथ हम कमाते थे। तो घर वाले को ये दिक्कत होने लगा कि यार अच्छा भला कमा रहा था, 35-40 हजार का मंथली आ रहा था, और आज ये काम बंद करके 5,000 पे भी आफत हो गया महीने का। तो यही सब की वजह से घर वालों ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। बीच बीच में हम कहीं और भी नौकरी किए मशीन रहते हुए, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि मशीन को बेच दो, क्योंकि मशीन ना रहेगा ना तुम दोबारा इसमें आओगे, मशीन रहेगा तो तुम जरूर फिर इसमें घुसोगे। जब वो लोग गुस्सा करते, लड़ाई झगड़ा करते, तो हम कहीं ना कहीं नौकरी पकड़ लेते हैं। इस तरह से हम 2 साल काटे, लेकिन मेरा मन में एक विश्वास था कि हमें करना है इसी काम को। जब पैसा मेरे पास खत्म होता तो हम इस काम को छोड़ के दूसरे काम को स्टार्ट कर लेते, जो डेली बेसिस वाले पे होते हैं, दिहाड़ी पे जो मिलते थे 250-300 रुपए पर डे हमें मिलता था यहाँ बिहार में आके। 2019 में हम बिहार आ चुके थे, और 2019 में बिहार आए, फिर घर की टॉर्चर और ताने से हम फिर वापस दिल्ली चले गए, फिर वहां पे हम कुछ दिन काम किए, फिर 2020 शुरू होने से पहले हम यहाँ फिर आ चुके, नवंबर दिसंबर में हम आ गए थे। उसके बाद जैसे ही फिर से हम पूंजी इकट्ठा किए, किसी से कर्ज लिए 1 लाख रुपए और लेकर के फिर हम मशीन में इन्वेस्ट किए, तो जैसे ही इन्वेस्ट किए थोड़ा सा मार्केट बना, उसके बाद फिर से कोरोना आ गया। कोरोना में लोग और परेशान करने लगे घर वाले, कि फिर से ये यहीं आके बैठ गया, इससे अच्छा भला बाहर इतना कुछ कमाता है, ऐसे वैसे लन फन बहुत तरह की बातें करने लगे।
फिर भी हम उस चीज पे हम हार नहीं माने, हम बोले कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि मेरा हमेशा से ये सोच है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस हमें उस पे अमल करना चाहिए। तो इस हिसाब से इतना परेशान लोग करने लगे थे, लास्ट में घर वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, बोला तुझे करना है तो कर भाई, तेरे साथ हमारा कि अपना बर्बादी नहीं करेंगे, तुझे तो बर्बाद होना होना है तू हो जा। फिर हम बहुत लोगों से हम रिक्वेस्ट भी किए, बहुत लोगों से हम हेल्प मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिया। उसके बाद हम ये भी लोगों से बोले कि भाई आप मेरे साथ पार्टनरी कर लो। उस वक्त तक में मेरे पास 3 मशीन हो चुका था, एक डबल डाई, 2 सिंगल डाई। सेकेंड हैंड ही हम लिए थे मशीनें, सारे सस्ते सस्ते मशीन लिए थे। एंगल बॉडी में था वो मशीन, चैनल में नहीं था। तो एंगल बॉडी में सस्ती मशीन मिल जाती है, उस टाइम हम सिर्फ 2 प्लेट के उद्देश्य से हम उस मशीन को लगाए थे। उसके बाद फिर हम बहुत लोगों से बोले भी कि आप पार्टनरी कर लो मेरे साथ में, हम मशीनें लगा रखे हैं, मशीनें की अगर रेट देखा जाए तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का है मेरे पास में, सारा डाई है, मशीनें हैं, आप मात्र 50,000 रुपये आप हमें दे दो और पार्टनरशिप में हो जाओ, 50-50 के पार्टनर हो जाओ, हम उसका मटेरियल ले आएंगे। लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हुआ। और ये स्थिति कब आ रहा था, जब हम पैसा जब भी हम मशीन में लगाते, बिजनेस में लगाते, उस पैसे को जब हम कमाते तो आधा पैसा घर में चला जाता, आधा पैसा बिजनेस में रहता। तो अगर यदि आप इस तरह से अगर आप भी काम करते हो कि आधा पैसा बिजनेस में आधा घर में, तो वो आपका बिजनेस सफल नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस का रूल है कि जो पैसा आप लगाए हो, अगर थोड़ा भी लगाए हो तो थोड़ा से ही चलाओ, उसको कम मत करो, उसको उससे धीरे धीरे बढ़ाओ। उसको कम अगर करते हो आप, तो आप कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो इस तरह से हम काम करते गए, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट में धीरे धीरे कहीं कहीं से मटेरियल 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो ला करके हम माल बना के और सेल करते गए। लेकिन ये चीज मेरे मन में था, ये चीज हमें पता था कि जब तक हमारे पास बल्क में काम रॉ मटेरियल नहीं होगा, तब तक हम काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम 2006 से पेपर लाइन में हैं और किसी की कंपनी में काम कर रहे थे, वहां पे हम फोरमैन या मैनेजरी के तौर पे हम काम करते थे। तो हमें पता था कि कैसे मैनेजमेंट होता है। तो इस चीज को लेकर के हम बहुत इच्छुक थे कि हम काम करें, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो पैसा था। मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम बल्क में माल नहीं मंगा पा रहे थे। तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियों को झेलने के बाद भी हम बहुत हाथ पैर वाले, कहीं से कोई मदद नहीं मिला। ऐसा दिन एक एक दिन आता था कि रात रात को नींद नहीं आती थी कि कैसे हमें इस काम को करना है, क्योंकि दिन भर टेंशन भरा रहता था। बहुत ज्यादा हम डिमोटिवेट हो गए थे, इस वजह से हम भी लास्ट में एक बार सोचे कि छोड़ देते हैं। फिर हम एक दिन घूमे फिरे मार्केट में, कुछ लोगों से गए, लेकिन एक चीज और है, उस टाइम तो कोई कुछ बताता भी नहीं था। लोगों से हम बहुत तरह की बातें पूछना चाहते थे, लोगों के पास जाते थे जो मेरे से बड़े बड़े कंपनी लगा रखे थे, जो पहले से, तो उनके पास जाते थे, तो वो लोग घास भी नहीं डालते थे, वो तो सीधे मुझसे बात भी नहीं करना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे उतना, कि यार क्यों नहीं इसको बताएगा और अपने पेट पे लात मारेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस में कोई बराबरी बंदा का आए, तो वो लोग नहीं करते थे। फिर लास्ट में करते करते फिर किसी तरह, फिर हम जब घर वाले ने भी साथ छोड़ दिया, तो हम कुछ फिर सोचे, करना ही है तो अच्छे से करना, चाहे उसमें डूब जाए या उग जाए। ये सोचने के बाद हम किसी से गए उधार पैसे मांगने के लिए, तो उसमें भी मेरे साथ बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जिससे भी हम पैसा मांगे, उसे हमारे घर वालों ने ही मना कर दे कि नहीं, इसे पैसा मत देना, दोगे तो आप खुद समझना, हमें मत बोलना। तो नए नए में कोई भी किसी को अगर पैसा देता है, तो वो एक गारंटर खोजता है, वो एक उसको विश्वास वाला बंदा खोजता है। और हम उस वक्त गांव में नए थे, हमें कोई पहचानता भी नहीं था, क्योंकि हमारा जन्म धनबाद का है और हम लोग रहते थे दिल्ली में, तो गांव में कोई जानता नहीं था हमें, जो कि हमें कुछ पैसे उधार दे कोई। फिर किसी तरह हम लोगों से रिक्वेस्ट किए, किसी तरह अपना उनसे बात बताए, अपनी कहानी बताए, तो एक बंदा तैयार हुआ देने के लिए हमें पैसा। तो उन्होंने हमें हेल्प किया, उस वक्त ब्याज पे ही दिए, लेकिन उस वक्त हम उनसे पैसा लिए, 3 लाख रुपए लिए फर्स्ट टाइम में हम उधार अपने दम पे। उसके बाद हम रॉ मटेरियल की मशीन लगाए, हमें पता था कि जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा मेरे पास में, तब तक हम इस काम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो बल्क में माल मंगाना चाहिए, तब हम आगे इस काम को बढ़ाएंगे। फिर हम सोचे कि जब हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे 2 लाख रुपए का, तो क्यों ना 1 लाख और स्टॉक कर लें और एडवांस ले लें कहीं से, और 1 लाख और मिला के 3 लाख की हम सीधा मशीन और रॉ मटेरियल दोनों एक साथ कर लें, कि ताकि हमें अपने काम करने में आसानी हो। तो किसी तरह से हम 3 लाख रुपए व्यवस्था किए और फिर हम रॉ मटेरियल के मशीन ले आए, और 1 लाख रुपए का हम रॉ मटेरियल लाए। मशीनें तो आ गई, मशीनें चालू भी हो गई और रॉ मटेरियल भी आ गए। लेकिन समस्या कहाँ आ गया वहां पे, कि उस वक्त मेरे पास में समस्या ये आने लगा कि रॉ मटेरियल फिर लाने का झंझट होने लगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल भी अगर हम 1 टन 2 टन लेकर के आते हैं, 1 फिल्म 2 फिल्म, तो वो बहुत महंगा पड़ता है।
तो अब हमें टेंशन आने लगा कि हमें रॉ मटेरियल बल्क में मंगाना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल हम वहां से मंगाते हैं तो हमें महंगा मिल रहा था, क्योंकि हम छोटा काम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा माल मंगा रहे थे, लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल से बहुत फर्क पड़ा था मशीन लगाने से। क्या फर्क पड़ा, कब रॉ मटेरियल मशीन लगाना चाहिए, कितना सा प्रॉफिट है, हम इस पर भी वीडियो देने वाले हैं। धीरे धीरे करके रोज हम एक एक वीडियो आपको देते जाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जब भी ऐसा वीडियो आपको मिलेगा। तो उस तरह से करके एक बार तो लिए, उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा कमा करके उनको फिर हम वापस कर दिए पैसा, उसी तरह से धीरे धीरे करके। और उसके बाद फिर हम रॉ मटेरियल पे हम किए कि अब रॉ मटेरियल हमें इकट्ठा लेकर के आना है। फिर जब रॉ मटेरियल हम टन के हिसाब से मंगाने लगे, 4 टन 5 टन 6 टन करके गाड़ी में, तब जा करके हमें थोड़ा सा सुकून और सहारा मिला काम करने में, मार्केट में कंपटीशन करने में, क्योंकि रॉ मटेरियल मेरे पास खुद का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग मेरा रॉ मटेरियल खुद का हो गया। और जहां से भी हम पहले रॉ मटेरियल लाते थे वो कभी गीला माल देता था, कभी खराब देता था, कभी कुछ, उनको हम बोल भी नहीं सकते थे। और ये चीज बिहार में है, सब जगह है, कि पहले एडवांस भी दीजिए उनको, उसके बाद भी माल ढंग का नहीं मिलता था, और इसी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। तो पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मटेरियल लेना कैसा चाहिए और कैसा नहीं। जब तक आपका मटेरियल सही नहीं मिलेगा, जब तक आप उसमें पैसा नहीं लगाते हैं, तब तक आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। कोई भी काम करने से पहले बहुत सारे उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक तरह से परीक्षा देना पड़ता है। अगर यदि आप परीक्षा में पास होते हैं, जब ही जाकर के आपका वैल्यू होगा। उसी तरह से बिजनेस में भी होता है कि अगर यदि आप बिजनेस में खड़े उतरे, उस परीक्षा में पास हो गए, जब भी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले आपको परेशानियां बहुत सामना करना पड़ेगा। जब तक आप परेशानियों का सामना नहीं करते हैं, तब तक आप इस काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये काम क्या, कोई सा भी अगर आप काम करते हैं तो आपको पहले परेशानियों को सामना करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से बहुत सारी परेशानियां आई मेरे सामने भी, बहुत सारी दिक्कतें हुए। उस टाइम ऐसा टाइम था मेरे लिए कि हम कोई अगर 5 बंडल मांगता था ना, 5 पैकेट कि आप ले आओ मेरे पास, तुरंत हम जा लेकर के जाते थे मार्केट में देने के लिए कि 5 पैकेट का मेरे पास ऑर्डर आया, बहुत खुश होते थे। एक बोरा का आया तो और खुशी होता था कि एक बोरा का ऑर्डर आ गया, ऐसा स्थिति था। और आज मेरे पास में गाड़ी माल जा रहा है, कल भी मेरा एक गाड़ी माल गया, अभी हम आपको दिखा देते हैं वीडियो में, कल भी मेरा एक गाड़ी माल गया है और 100 बोरा गया है माल, 105 बोरा। इसी तरह से मेरा जो भी गाड़ी जाता है तो 50 बोरा 100 बोरा के बीच ही जाता है, उससे नीचे नहीं जाता है। तो वो एक टाइम था और आज एक टाइम है। तो इसको आगे बढ़ाने का रीजन यही हुआ कि हम स्टॉक में काम किए, थोड़ा सा रिलैक्स होके किए, जितना भी टेंशन हुआ उसको हम समझे, समझने के बाद हम इस काम को पहले समझे कि इस काम में क्या क्या जरूरी है, किन किन बारीकियों को देखना होता है। अगर यदि आप अपने आप से इन सब बारीकियों को समझेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, जब भी आप इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे ही आपको लगे आप रॉ मटेरियल लगाए तो उससे आपको ये सॉरी जैसे आप पेपर प्लेट की बिजनेस किए, उसका मशीन लगाए, तो उससे पहले आपको पीछे जाना चाहिए, एक स्टेप पीछे, कि हमें पहले रॉ मटेरियल लगाना चाहिए। ये हम स्टार्टिंग में नहीं बता रहे रॉ मटेरियल लगाने के लिए। जैसे आप मशीन लगाए, 1-2 साल चलाए, उसके बाद लगा आपको कि हाँ रॉ मटेरियल मेरे पास अच्छा खासा कट रहा है, तो आपको खुद वो चीज कर लेना चाहिए। जब तक आप सारा सेटअप खुद नहीं करते हैं, तब तक आपको इस बिजनेस को समझ में नहीं आएगा। बिजनेस के साथ साथ आपको बिजनेस के रूल्स भी समझने पड़ेंगे, उसको कैलकुलेशन भी समझने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा अगर यदि आपको मार्केट पकड़ना है तो अपना मटेरियल होना चाहिए, अगर अपना भी नहीं तो सस्ता मटेरियल होना चाहिए, और क्वालिटी का माल होना चाहिए और कम कॉस्ट में उसको बनना चाहिए। जब हम रॉ मटेरियल का मशीन लगाए तो हम अपना धीरे धीरे कॉस्ट बहुत ज्यादा कम किए। जब कॉस्ट हम कम किए तो हमें आगे से ऑर्डर आने लगा, आगे से ऑर्डर आने लगा तो कॉस्ट कम किए तो हमारा रेट भी कम हो गया प्रोडक्ट का। रेट कम हुआ तो हम सामने वाले से कैश की बात कर ली कि भाई हम कैश में माल देंगे, उधार में नहीं देंगे, तो वो कैश पे भी देने को राजी हो गया। कोई आपके पास कब जाएगा, जब उसको आपसे बेनिफिट होगा। ये दुनिया मतलब की है, सब अपने अपने मतलब से रहते हैं। अगर उनको आपसे कोई फायदा है जब भी वो आपके पास जाएंगे, वरना ऐसे तो आपको पलट के देखेंगे भी नहीं। तो ऐसे ऐसे परेशानियों को सामना करके हम एक मशीन से आज 10 मशीन तक किए हैं, और हमारा धीरे धीरे डेवलप ही हो रहा है, कमी नहीं है कोई भी चीज की। जो चीज हम सोचे नहीं थे वो चीज को हम अभी इस काम को करके हम वो काम कर रहे हैं जो कभी हम सोचे नहीं थे। आप लोगों को एक बात बता दें कि हम पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि बिजनेस के लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, ये चीज हम भी कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पढ़ाई बिना बिजनेस नहीं होगा। अगर आपके पास माइंड है और अच्छा माइंड है तो आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो।
मेरे पास हम पढ़े लिखे नहीं है, मात्र छठा क्लास तक हम पढ़े हुए हैं, सिक्स क्लास तक, और उसी में हम कंप्यूटर कोर्स भी कर रखे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो ये मेरा नॉलेज है जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं। आज हम किसी को और कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, कोई नहीं मानता है। और अगर झूठ भी बोल देते हैं कि हम बीए पास हैं तो हर कोई मानता, बोलता हाँ सही बात है, होंगे जब भी तो इतना बड़ा काम कर रखे हैं। तो ये सब सिर्फ नॉलेज की वजह से होता है, तजुर्बे की वजह से होता है। अगर यदि आपके पास इस तरह का नॉलेज है तो आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताते रहेंगे, आप उस हिसाब से अपने काम को करते रहना, ताकि आप भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और आपका काम भी चलेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब इस तरह के वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।